तो हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 12th के हेलोलिकेंस एंड हेलोरीज टॉपिक का एग्जांपल 10.7 के बारे में, जिसमें सवाल जो है प्रीवियस क्वेश्चन के जैसा ही है, जिसमें आपने एसएन वन और एसएन टू को सॉल्व किया था। जैसा कि आपको बताया गया था कि एसएन वन रिएक्शन 3 डिग्री कार्बोकेटायन की बात करें तो एसएन वन जो है सबसे ज्यादा होता है 3 डिग्री में, उससे कम 2 डिग्री में और उससे कम 1 डिग्री में होता है। एसएन वन रिएक्शन फास्टर उतना ही ज्यादा होगा जितना जल्दी हमारा जो है कार्बोकेटायन, यानी कि जितना जल्दी कार्बोकेटायन फॉर्मेशन होगा, या फिर यू कह दे कि जितना जल्दी ये कार्बन जो है हेलोजन को छोड़ देगा। अब कार्बन हेलोजन को कब छोड़ेगा, जब कार्बन का ये जो पॉजिटिव चार्ज डेवलप होने वाला है वो स्टेबल रहेगा। मतलब ये कार्बन के पीछे में जितना ज्यादा रेडिकल रहेगा जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, उतना जल्दी ये कार्बन इस ब्रोमीन या ये हेलोजन को छोड़ देगा और उतना ही जल्दी फास्टर रिएक्शन होगा एसएन वन का। ठीक है, तो एसएन वन का ये ऑर्डर है 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री, और एसएन टू का यही इससे जस्ट उल्टा ऑर्डर होता है। 1 डिग्री कार्बोकेटायन या 1 डिग्री हेलोजन में एसएन टू रिएक्शन फास्ट होता है, उससे ज्यादा उससे स्लो होता है किसमें, तो 2 डिग्री में उससे स्लो होता है, और सबसे स्लो किसमें होता है, 3 डिग्री में। ये होता है एसएन टू का ऑर्डर और ये है हमारा एसएन वन का ऑर्डर। ठीक है, तो यहां पर ये सिंपल ऑर्डर है। अब जैसा कि यहां पर हमारे पास दो सवाल दिए गए हैं और सवाल यहां पर ये कह रहा है कि प्रेडिक्ट द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन एसएन वन एंड एसएन टू रिएक्शंस। आपको दो सवाल दिए गए हैं और दोनों में बतलाना है एसएन वन का क्या ऑर्डर होगा रिएक्टिविटी का और एसएन टू के रिएक्टिविटी का क्या ऑर्डर होगा। तो प्यारे बच्चों, हम लोग पहले बात करेंगे सवाल नंबर वन की और देखेंगे सवाल नंबर वन में एसएन वन का क्या यहां फॉर्मेट है और एसएन टू का क्या फॉर्मेट है। सिंपल सी बात यहां पर है, हम लोग कर क्या रहे हैं, नंबर वन का क्वेश्चन ले रहे हैं। ठीक है, इसमें कर रहा है द 4-isomeric ब्रोमोब्यूटेन। ब्रोमोब्यूटेन यहां पर है तो 4 कार्बन का हो गया ब्यूटेन, इसमें यहां पर लगा दिए, ये बन गया ब्रोमोब्यूटेन। तो ये बन गया नॉर्मल ब्रोमोब्यूटेन बन गया, तो ये नॉर्मल ब्रोमोब्यूटेन हो गया, ये हो गया एन ब्रोमोब्यूटेन, ये हो गया एन ब्रोमोब्यूटेन। ठीक है, अब यहां पर क्या है, सेकेंड नंबर का कंपाउंड क्या बनेगा, यहां पर 4 कार्बन दे दिए, यहां पर ये बन गया ब्रोमो, यहां पर डाल दिए, ये 2 ब्रोमोब्यूटेन बन गया। ठीक है, बी नंबर कंपाउंड ये बन गया। 3 नंबर की बात करें यहां पर, तो यहां पर ये बन रहा है आइसोब्रोमोब्यूटेन बन गया यहां पर। ठीक है, यहां पर बी आर जोड़ दिए, और एक पॉसिबिलिटी क्या हमारे पास में बनती है, यहां पर हमारे पास पॉसिबिलिटी है टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, यहां पर ये केस बन सकता है। तो हमारे पास ये ए बी सी और यहां पर 4 नंबर में डी, 4 प्रकार के ब्रोमोब्यूटेन आइसोमेरिक ब्रोमोब्यूटेन यहां पर पॉसिबल है। अब सवाल यहां पर ये करना है कि इसमें ये जो 4 isomeric ब्यूटेन है, इसमें एसएन वन और एसएन टू की रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होगा, इसके बारे में पता करना है। चलिए यहां पर देखते हैं इनकी प्रॉपर्टीज को, कि इनकी प्रॉपर्टीज क्या है, इनके स्ट्रक्चर्स को देखना पड़ेगा, फिर आप एसएन वन और एसएन टू के कैरेक्टर को देख पाइएगा। तो हमारे पास 4 कंपाउंड यहां पर है। अब यहां पर बात करनी है हम लोग को एसएन वन कैरेक्टर की। अगर यहां पर बात करें हम इसमें एसएन वन कैरेक्टर के लिए, तो एसएन वन कैरेक्टर की बात करेंगे तो एसएन वन रिएक्शन उसमें ज्यादा फास्टर होता है, सिंपल सी बात है, जिसमें कि हमारा जो ना कार्बोकेटायन या फिर ये समझिए यहां पर कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल होता है। कहने का अर्थ ये हो गया कि 3 डिग्री अगर हमारे पास हैलाइड है उसमें एसएन वन ज्यादा तेजी से होगा, 2 डिग्री हैलाइड है तो उससे कम होगा, और 1 डिग्री है तो उससे भी कम होगा। देखिए यहां पर, ये यहां पर 1 डिग्री है, ये यहां पर 2 डिग्री हैलाइड है, ये यहां पर 1 डिग्री है, और ये यहां पर कितना है जी, यहां पर ये 3 डिग्री है। तो जाहिर सी बात है यहां पर डी का ऑप्शन जो है सबसे ज्यादा एसएन वन होगा। अब डी में कौन सा कंपाउंड है वो आप देख सकते हैं। ठीक है, उससे कम किस में होगा, तो 2 डिग्री में होगा, उससे कम 2 डिग्री में होगा, 2 डिग्री कौन सा है, बी वाला ऑप्शन यहां पर हो गया। उससे कम की बात करें यहां पर, तो जो 1 डिग्री है, अब देखिए यहां पर 1 डिग्री में क्या बातें हैं, 1 डिग्री में यहां पर ये है कि इसमें इंडक्टिव इफेक्ट जो होगा, तो इसमें कार्बन से यहां पर ये ब्रोमीन को ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, इसको ज्यादातर ये कर सकता है डोनेट, लेकिन कम मात्रा में करेगा, जबकि यहां पर क्या है, 2 रेडिकल है, ये कार्बन इधर से भी डोनेट करेगा, इधर से भी डोनेट करेगा, दो तरफ से डोनेट करेगा, और दोनों को मिलकर के ये डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन। तो जाहिर सी बात है यहां पर ये ब्रोमीन बहुत ही फास्ट रिलीज होगा। अब हम बता ही चुके थे जितना फास्टर हमारा हैलाइड हेलोजन जो है वो रिलीज होगा, उतना ही फास्ट ये रिएक्शन कंप्लीट होगा। तो एसएन वन रिएक्शन कंप्लीट जो है इन दोनों 1 डिग्री के केस में कंपेयर करना है, तो सी वाले ऑप्शन में जल्दी से कंप्लीट होगा, फास्टर होगा, और सबसे स्लो एसएन वन किस में होगा,
यहां पर ए नंबर में होगा। वही अगर इसी में हम SN2 कैरेक्टर की बात करें तो जस्ट इसका उल्टा कर दीजिए, SN2 कैरेक्टर SN1 जितना फास्ट होगा SN2 उतना स्लो होगा, मतलब यहां पर ए नंबर ए से यहां पर कम हो जाएगा, यहां ज्यादा हो जाएगा सी, सॉरी ए से यहां पर कम हो जाएगा सी, स्लोअर हो जाएगा सी, और उससे स्लोअर हो जाएगा यहां पर बी, और उससे स्लोअर हो जाएगा यहां पर डी। तो कहने का अर्थ यहां पर यह हुआ कि डी बी सी ए यहां पर ऑर्डर हो गया एस एन वन का, ए सी बी डी यहां पर ऑर्डर हो गया एस एन टू का। सिंपल सा यहां पर लॉजिक था, कोई दिक्कत नहीं है। यूं समझ लीजिए कि हेलोजन जिस कार्बन जुड़ा हुआ है अगर उसके बगल में सपोर्टिंग कार्बन ढेर सारा है तो वहां पर एस एन वन कैरेक्टर उसमें आएगा, और सपोर्टिंग कार्बन अगर नहीं है यहां पर तो एस एन टू आएगा। सिंपल सी बात समझिए यहां पर कि एस एन वन कब होता है। ये मान लीजिए कोई हमारा न्यूक्लियोफाइल है ओ एच माइनस, ये यहां पर से बी आर माइनस यहां से रिलीज होना है, ठीक है, बी आर माइनस यहां पर रिलीज होगा, सी पर प्लस बनेगा। तो बात यहां पर ये है कि ये जो ओ एच माइनस है, ये ओ एच माइनस क्या पीछे से अटैक कर पाएगा? तो जाहिर सी बात है यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पीछे में ज्यादा होगा, बल्क में इलेक्ट्रॉन होगा, वहां पर जो है यहां पर पीछे से अटैक नहीं कर पाएगा, है ना। तो पीछे से अटैक नहीं कर पाएगा तो क्या होगा, फर्स्ट स्टेप में स्लो स्टेप में ये टूटेगा पूरी तरह से, जब टूट के अलग हो जाएगा तब सेकेंड स्टेप में ये ओ एच माइनस सामने से अटैक करेगा। तो यानी कि स्लो स्टेप में तो बस यही पार्टिसिपेट करेगा रिएक्शन में, ये खुद में ही डिकम्पोज करेगा, डिसोसिएट होगा, तो इसलिए यहां पर मॉलिकुलरिटी होगी वन। जबकि एस एन वन में एस एन टू में क्या होता है, जैसे यहां पर देखिए यहां ओ एच माइनस है, इस कार्बन के पीछे में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है जिसके कारण से क्या होगा, ये OH- ये टूटते भी जाएगा और कुछ हद तक ये जुड़ते भी जाएगा, मतलब यहां पर ये कंपाउंड इस रिएक्शन में ये भी पार्टिसिपेट कर रहा है, साथ ही साथ स्लो स्टेप में ही ये भी पार्टिसिपेट कर रहा है। तो दोनों रिएक्टेंट यहां पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जो पार्टिसिपेट करते हैं ना स्लो स्टेप ऑफ रिएक्शन या एलिमेंट्री रिएक्शन में, उसी को मॉलिक्युलरिटी कहते हैं। तो यहां पर यहां मॉलिक्युलरिटी दो हो जाएगा, इसलिए बोलते हैं बाई मॉलिक्युलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी कि SN2 रिएक्शन। तो इसमें SN2 फास्ट होगा और इसमें SN1 फास्ट होगा, इसमें SN1 स्लो होगा, इसमें SN2 स्लो होगा। तो आई होप आपको इस एग्जांपल में समझ में आ गया। चलते हैं सेकेंड नंबर के एग्जांपल में और उसमें पता करते हैं कि SN1 और SN2 का ऑर्डर क्या है। तो नंबर टू में हमारे पास ये कुछ कंपाउंड दिए गए हैं, इनके पहले स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग। सपोज कर लीजिए ए में कंपाउंड हमको दिया हुआ है ये वाला, इसमें क्या है C6H5 यहां पर बेंजीन रिंग है, समझिए यहां पर ये हमारा फिनाइल रेडिकल हो गया, ये हो गया C6H5, इससे CH2 जुड़ा हुआ है और इससे BR, ये हमारा 1 डिग्री कार्बोकेटाइन बनाएगा, ठीक है। अब चलिए यहां पर बात करते हैं यहां पर हम लोग बी नंबर की। तो बी में हमारे पास में है C6H5 यानी फिनाइल है, जो फिनाइल जुड़ा हुआ है यहां पर CH से, और CH से यहां पर एक फिनाइल और जुड़ा हुआ है, ठीक है, CH से यहां पर एक फिनाइल और जुड़ा हुआ है, और तब अंतिम इससे जुड़ा हुआ है BR, ठीक है। C नंबर की बात करेंगे तो यहां पर हमारे पास जो कंपाउंड है वो C6H5 यहां पर है, ठीक है, उसके बाद यहां पर CH है, फिर यहां पर CH3 है, फिर यहां पर क्या है BR है। और डी नंबर कंपाउंड की बात करें तो हमारे पास में है यहां पर C6H5 यानी कि बेंजीन रिंग है, यहां पर वो जुड़ा हुआ है C से यहां पर CH3 भी जुड़ा हुआ है, और C से फिर यहां पर फिनाइल भी जुड़ा हुआ है, तो यहां पर जोड़ दिए, और फाइनली हमारे पास इस C से जुड़ा हुआ है BR। तो अगर हम डिग्री ऑफ हेलोजन की बात करें तो यहां पर प्राइमरी हैलाइड है ये, सेकेंडरी हैलाइड ये हो गया, ये हमारा हो गया सेकेंडरी हैलाइड ये भी हो गया, और ये हमारा हो गया टर्सरी हैलाइड हो गया। तो जाहिर सी बात है यहां पर कि ये इसमें तो SN1 कैरेक्टर सबसे हाई होगा। SN1 की बात करें तो SN1 ऑर्डर हमारे पास सबसे फास्ट किसमें होगा, डी में होगा, क्योंकि डी में यहां न्यूक्लियोफाइल पीछे से अटैक नहीं कर सकता है, क्योंकि बल्क में इलेक्ट्रॉन हमारे पास पीछे में है जो न्यूक्लियोफाइल को रिपेल कर देगा। यहां पर पहले ये टूटेगा फिर न्यूक्लियोफाइल जुड़ेगा, मतलब कि यहां पर हो गया SN1 का ऑर्डर सबसे ज्यादा इसी में होगा। अब 2 डिग्री में ये भी है और ये भी है, कंपेयर करना है किसमें फास्ट होने वाला है। तो सिंपल सी बात है, बेंजीन हमारा जो होता है ना, यहाँ बेंजीन में रेजोनेंस के कारण से बल्क में इलेक्ट्रॉन यहाँ पर डांस करते रहता है अंदर में, जिसके कारण से बहुत ही कम पॉसिबिलिटी होती है कि न्यूक्लियोफाइल यहां पर आए और इधर से पीछे से अटैक कर दे जाकर के, क्योंकि यहां बेंजीन में इलेक्ट्रॉन यहां पर हमेशा मूव करते रहते हैं, बल्क में इलेक्ट्रॉन होता है, यहां पर बल्क में इलेक्ट्रॉन नहीं है, मिथाइल में इलेक्ट्रॉन है, हालांकि इलेक्ट्रॉन है बट बल्क में नहीं है, दोनों ही 2 डिग्री है इसलिए कंपेयर कर रहे हैं यहां पर, और इसलिए पॉसिबिलिटी ये है कि OH- आयन यहां पर से नहीं जा पाएगा फास्ट जैसा जाना चाहिए
उसके मुताबिक यहां से इजियर वे में जा सकता है। कहने का अर्थ यहां पर ये हो गया, अगर SN1 रिएक्शन की बात करेंगे तो इसमें ज्यादा होगा बी नंबर ज्यादा होगा और उससे कम किस में होगा सी नंबर में होगा। सबसे कम यहां पर SN1 कैरेक्टर किस में होगा 1 डिग्री केस में, यानी ए नंबर में। वही SN2 की बात करें तो जस्ट इसका उल्टा ले लीजिए ऑर्डर, ए में क्या होगा यहां पर सबसे अधिक होगा SN2, उससे क्या कहते हैं ए में सबसे अधिक होगा, उससे कम होगा सी में, उससे कम होगा बी में और उससे कम किस में होगा डी में। ये हो गया SN2 कैरेक्टर। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि SN1 और SN2 कैरेक्टर क्या होता है, कैसे उससे हम लोग मॉलिक्यूल में पता लगाते हैं कि SN1 का रिएक्शन किस में फास्टर होगा किस में स्लो होगा। देखिए यहां पर सिंपल सी बात है, SN1 अगर देखना है तो समझिए यहां पर कि जिस कार्बन से आपका हेलोजन निकल रहा है या जुड़ा हुआ है उसके पीछे में अगर स्पेस है, स्पेस ढेर सारा है यानी कि जगह खाली है, तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, दोनों ही साथ में काम करेंगे, SN2 हो गया। और अगर यहां पर सिंपल बात है कि अगर पीछे में स्पेस भरा हुआ है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पूरा भरा हुआ है, तो पीछे से न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं कर सकता है, तो वहां पर फर्स्ट केस में पहले हमारा जो ये न्यूक्लियोफाइल है, जो हेलोजन है, वही आराम से निकलेगा स्लो स्टेप में, मतलब कि सिंगल रिएक्टेंट पार्टिसिपेट करेगा, दूसरे स्टेप पे वो जाकर के अटैक करेगा सामने से। तो जब जगह भरा हुआ रहे तो वहां पर वो हमारा SN2 हो जाएगा। और सिंपल सी बात है कि अगर डिग्री ऑफ कार्बन दोनों का सेम है तो कंपेयर कर लीजिए वहां पर कि किस केस में हेलोजन जल्दी बाहर निकलेगा, किस केस में हेलोजन धीरे धीरे बाहर निकलेगा। जहां जल्दी हेलोजन बाहर निकला वहां फास्ट रिएक्शन होगा, जहां धीरे धीरे हेलोजन बाहर निकल रहा है वहां स्लो रिएक्शन होगा। और जल्दी और धीरे धीरे में क्या रिलेशन होता है कि जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा हुआ है अगर उस कार्बन को इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना है पीछे से, तो तुरंत उस हेलोजन को भगा देगा, ठीक है ना। और अगर यहां पर ये कार्बन के पीछे में सपोर्टिंग कार्बन कम है, इलेक्ट्रॉन इसको नहीं मिल पा रहा है, तो जल्दी वो उस हेलोजन को नहीं छोड़ेगा, कार्बोकेटायन स्टेबल नहीं होगा। तो कार्बोकेटायन जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतने ही तेजी से आपका रिएक्शन आगे बढ़ेगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आगे बढ़ेगा। कार्बन अगर हमारा स्टेबल नहीं है तो हमारा रिएक्शन भी स्लो ही होगा, कार्बोकेटायन आपका स्टेबल रहना चाहिए तभी रिएक्शन आपका फास्ट होगा, ठीक है। तो ऐसे एनसीईआरटी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पसंद आएगा तो लाइक भी जरूर करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड टेक केयर।